लखनऊ के डॉक्टर दंपति मामले में पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। डॉक्टर दंपति को छुड़वाने का फर्जी ढिंढोरा एसटीएफ पीट रही है। बता दें आपको कि इस मामले में बिहार के सीएम नीतीश और डीजीपी के दखल के बाद डॉक्टर दंपति को अजय सिंह ने खुद छोड़ दिया है। एसटीएफ की तिजोरी में झोल ही झोल कई नजर आ रहा है। बता दें आपको कई राज्यों में किडनैपर किंग के नाम से अजय सिंह जाना जाता है। सवाल यहां पर यह है कि क्या अजय सिंह ने बिना फिरौती के ही डॉक्टर दंपति को छोड़ दिया है। वहीं एसटीएफ ने दबिश देकर 9 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार किए गए अपहरणकर्ताओं में अजय सिंह भी शामिल है। सवाल यहां पर यह भी है कि गुडवर्क की आड़ में क्या फिरौती की बात दबाने की कोशिश की जा रही है और क्यों आखिरकार यूपी एसटीएफ इस फिरौती की बात को दबाने की कोशिश कर रही है। तो एसटीएफ की तिजोरी में झोल ही झोल नजर आ रहे हैं। डॉक्टर दंपति के अपहरण का ही मामला है जिसमें अब जो यूपी एसटीएफ की जो तिजोरी है उसमें झोल ही झोल नजर आ रहे हैं। सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि क्या फिरौती की जो बात है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है और क्या जो दबिश जो दी है उसमें जो अजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, इन सब पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमितेश, यहाँ पर जो यूपी एसटीएफ है उसकी थ्योरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि यूपी एसटीएफ की जो टीम है वो फिरौती की बात को आखिरकार क्यों दबाने की कोशिश कर रही है। प्राची, पूरी तरह से इस खुलासे में एक दो नहीं बल्कि कई छेद नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से अगर हम बात करें अजय सिंह का, तो अजय सिंह एक बड़ा साथीर अपहरणकर्ता माना जाता है और पूरी तरह से जो गैंग ऑपरेट करता था वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। और सबसे जो हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि यूपीएसटीएफ कहती है कि अजय सिंह ने खुद उसको छोड़ दिया था, फिरौती की बात से पूरी तरह से यूपीएसटीएफ इनकार कर रही है। जबकि हम पुलिस सूत्रों की माने तो जो भी अजय सिंह ने फिरौती की रकम डॉक्टर दंपति से मांगी थी वो रकम बकायदा इसी गोमती नगर विस्तार के अपार्टमेंट में जहां से गिरफ्तारी हुई अजय सिंह की वहां पर वो रकम पहुंचा दी गई। उसके बाद से ही वो जो डॉक्टर दंपति है वो मुक्त हो पाए। हालांकि यूपीएसटीएफ ने साफ तौर पर ये जरूर अपने आप में ये ढिंढोरा पीट रही है कि वो किसी तरह की जो फिरौती की रकम है वो नहीं मांगी गई थी। तो अपने आप में एक दो नहीं कई बल्कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं प्राची कि आखिर अजय सिंह के साथ दर्जनों लोग जहां पे अपार्टमेंट है वो वीवीआईपी इलाका माना जाता है, अपने आप में कई बड़े अधिकारी भी रहते हैं, और अगर यूपीएसटीएफ इतनी चौकन्नी थी तो पहले अजय सिंह का पता क्यों नहीं लगा पाई। और खासतौर पर अगर हम उस जगह की उस इलाके में हाई प्रोफाइल इलाके में अजय सिंह अपने आप को पूरी तरह से वो गैंग ऑपरेट करता रहा, तमाम तरह की वारदातों को अंजाम देता रहा, तो अपने आप में इस खुलासे में भी कई झोले जा रहे हैं। हालांकि खुद ये भी माना जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से इस मुद्दे को लेकर कई बार बातचीत भी की थी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से साफ तौर पर कहा था कि चूंकि डॉक्टर गया के एक मशहूर डॉक्टर है, ऐसे में उनकी हर हाल में रिहाई होनी चाहिए। फिलहाल इस खुलासे के बाद से कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं प्राची। जी बिल्कुल अमितेश, और यूपीएसटीएफ की पूरी थ्योरी में झोल नजर आ रहे हैं और तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।